नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रसन्न और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। देश की सर्वोच्च अदालत ने देश के सबसे पुराने केस में अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या जमीन विवाद की, जिस पर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीनी विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपने इस फैसले में कोर्ट ने इस विवादित जमीन का हक राम जन्मभूमि न्यास को दिया है, यानी इस जमीन पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना आज फैसला सुना दिया है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को दूसरी जगह अयोध्या में ही जमीन दी जाएगी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही दूसरी जगह पर दी जाएगी। इसका फैसला केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेंगे कि आखिर अयोध्या में किस जगह पर मुस्लिम पक्ष को यह जमीन दी जाए जहां वो अपनी मस्जिद का निर्माण करा सके। आपको बता दें, इस जमीन पर दरअसल लंबे समय से 500 सालों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और सुबह 10 बजे 5 जजों की स्पेशल बेंच ने इस फैसले को पढ़ना शुरू किया और शुरुआत में ही सिया वक्फ बोर्ड की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद निर्मोही अखाड़े की जो याचिका थी, जो दलीलें थी, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद ये फैसला आया कि दरअसल जो ये जमीनी जो विवाद है पूरा, दरअसल ये हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना अपना पक्ष उसमें रखे हुए थे, लेकिन कोर्ट ने ये माना कि दरअसल मुस्लिम पक्ष इस जमीन पर अपना एकाधिकार साबित नहीं कर पाया, तो वहीं हिंदू पक्ष ने मजबूती से इस जमीन पर अपना पक्ष रखा, जिसके चलते ये जो फैसला है, दरअसल ये जो जमीनी विवाद है, ये इस पर राम मंदिर का निर्माण अब होगा। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की स्पेशल बेंच ने दिया है। लेकिन फैसले से पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो कि इस फैसले की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये जो फैसला आएगा ये धर्म या आस्था के आधार पर नहीं आएगा, बल्कि कानून के आधार पर इस विवादित जमीन पर फैसला लिया जाएगा। और वही हुआ, दरअसल जो जमीन विवादित जमीन है वो हिंदुओं के पक्ष में गया, यानी उस जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रामलला विराजमान थे, जिसके चलते वो राम जन्मभूमि न्यास को ये जमीन दी गई है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का भी ख्याल, इस उनकी आस्था का ख्याल भी इस फैसले में रखा गया है। उन्हें भी अयोध्या में दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यानी आज ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की स्पेशल बेंच है, ये कोई बड़ा फैसला सुनाएगी, लेकिन जो फैसला आया उसमें दोनों ही धर्मों की आस्था का ख्याल भी रखा गया। जहां मुस्लिमों को 5 एकड़ जमीन उनकी मस्जिद के लिए देने का ऐलान कर दिया गया, तो वहीं जो राम जन्मभूमि है दरअसल उस पर वो हिंदुओं के पक्ष में फैसला गया और उस पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। साथ ही आपको बता दें, जो मंदिर का निर्माण होगा दरअसल वो एक ट्रस्ट के जरिए होगा, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार को अगले 3 महीनों में उस ट्रस्ट का निर्माण करना होगा। और साथ ही आपको बता दें, जो ये फैसला लिया गया है, ये 5 जजों की जो स्पेशल बेंच थी, सबकी सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। दरअसल ये माना जा रहा था कि ये जो फैसला आएगा, दरअसल ये जजों की सर्वसम्मति से नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी जजों ने इस फैसले को लेकर अपनी सहमति जताई, जिसके चलते ये जो फैसला है ये 5 जजों की सर्वसम्मति से आया है। आपको बता दें, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उससे पहले जो सबसे पुराना केस है उस पर ये ऐतिहासिक फैसला अपना सुनाया है और अब इस जो जमीनी विवाद है इस पर आने वाले वक्त में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।